एस्टिमेशन जो है सर उसका क्या राज्य है, क्या उसके लिए हम सेंसर लगाते हैं उसको? एस्टिमेशन कैन बी डन ऑन अ कंप्यूटर. एस्टिमेशन कैन बी डन ऑन अ सिंपल प्रोग्राम. जो आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेंसर. आउटपुट उमूमन हमारे सिस्टम की कोई ना कोई अवेलेबल होती है. अगर वो आउटपुट फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, जो ट्रेवल किया दरवाजे है, या मोटर का एंगुलर एंगल है, या मोटर की वेलोसिटी है, अगर वो आउटपुट है और आप उसको टेको जनरेटर से, ये टेको से आप कर रहे हैं, इनकोडर से किसी ने कर रहे हैं जो वेलोसिटी है, या डिस्टेंस है तो किसी लिनियर सेंसर से कर रहे हैं, अगर आप उसको लेके चल रहे हैं, तो नाउ वन सच आउटपुट फॉर अ सिस्टम विच इज कंप्लीटली ऑब्जर्व गुड. अब आप सिर्फ इसको कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल सिस्टम की जो एस्टिमेटर की आउटपुट से, एंड सी के वो ही दे रहा है कि नहीं दे रहा. एस्टिमेशन उसी मॉडल से, एस्टिमेशन मॉडल एस्टिमेशन है सिंपल, वो वैल्यू है. यानी जो रियल फॉर्म में ऑब्जर्वेबल है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो तो अगर करीब करीब नहीं है तो हम उसकी स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं. हम उसी तरफ ही जाने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास एस्टिमेट वैल्यू जो है वो हमारे जो सेंसर की जो मेजर वैल्यू है उससे ज़्यादा, उस उनका एरर आपस में जीरो नहीं हो रहा, सिस्टम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट. ऑफकोर्स मतलब ये हमें शो करना है, इसके लिए मैं थोड़ी सी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, सो दैट वी कैन कम टू दैट पेज टुगेदर. बोनस के रिटायर देन डिनर ब्लॉक नारो. अगर मेरे लाइन पर एक्स वन है और उसको भी अभी निकाल दो, लेट्स मेक इट सिंपल. और ये मेरा एक इंटीग्रेटर है, तो ये मेरे पास हमने एक एक्स टू है एंड दैट इज इक्वल टू सम डॉट, और मेरे पास ये थ्री है दैट इज इक्वल टू एक्स टू डॉट, और ये मेरे पास समझेंगे एक्स फोर है, और ये सिस्टमेटिकली जा सकता है जितना हम जा सकते हैं. अब अगर मुझे ये पता है, अब ये एक कैनोनिकल फॉर्म है, ये मेरी वो इक्वेशन बनेगी. हैविंग नॉलेज ऑफ दिस वन, क्या मैं ये मालूम कर सकता हूँ? सिर्फ एक मसला होगा कि मुझे एक डिफरेंशिएटर इस्तेमाल करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटर का मसला सिर्फ ये होगा कि वो नॉइस को भी अच्छा खासा मसला. लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इनटू फॉर्म कि मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन आ जाए और मैं वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दूँ, आई कैन डू दैट वेयर. मकसद सिर्फ ये होगा कि मुझे सिर्फ फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी. लेकिन सिर्फ इस आउटपुट के होने से इट इज पॉसिबल कि मैं, और इसका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का बनेगा, एक्स वन डॉट इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू डॉट इक्वल टू एक्स थ्री, एक्स थ्री डॉट इक्वल टू सम फंक्शन प्लस यू. फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम के लिए अगर मैं जाके सिंपली एक्स वन डॉट इक्वल टू एक्स टू हैट, एक्स टू हैट डॉट इक्वल टू एक्स थ्री एंड एक्स थ्री हैट डॉट इक्वल टू ये इक्वेशन प्लस ये प्लस एक ड्राइविंग टर्म ऐड कर दूँ, तो आई कैन मेक एन एस्टिमेटर एग्जैक्टली हियर. सिर्फ एक और काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आइडिया है कि यहाँ पे भी मुझे एरर ड्राइविंग टर्म डालनी पड़ेगी. इन ऑर्डर टू मेक श्योर एक्स वन हैड कन्वर्जेस टू एक्स वन फास्टर, सिमिलरली एक्स टू हैड कन्वर्जेस टू एक्स टू फास्टर एंड एक्स थ्री हैड कन्वर्जेस टू एक्स थ्री फास्टर. तो तीनों के साथ मुझे एक ड्राइविंग टर्म डालनी पड़ेगी. ड्राइविंग टर्म इज डिपेंडेंट ऑन द एरर, कितना फर्क है एक्चुअल वैल्यू से जो आपकी होनी चाहिए. अब इसमें असम्पशन ये है, ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे एरर सिर्फ तभी मालूम होगा जब मुझे एक्स वन लड़ना है. इसका मतलब एक्स वन को फिजिकली मेरे मेजर करना है, देन आई हैव टू कंपेयर इट विद व्हाटएवर आई गेट, और उसका सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि ये ड्राइविंग टर्म इवेंचुअली जीरो हो जानी चाहिए
जब सारी चीज़ें बराबर होगी एरर है पॉइंट जीरो और एरर है पॉइंट जीरो तो इसका एक्स वन है एक्स वन दैट्स द आईडिया और इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें फिर ये जो बात आप करें ना उसमें बात आती है कि क्या वो सिस्टम एक चीज होती है पार्शियल स्टेट फीडबैक एक होती है फुल स्टेट फीडबैक कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो फुल स्टेट फीडबैक ऑफर करते हैं कुछ नहीं करते शादी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं दे ओनली अलाउ फॉर पार्शियल स्टेट फीडबैक वजह यह कि उसकी जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वी कॉल दैम इंटरनल डायनामिक्स या फिर हम कई जगहों पे नहीं करना चाहते इसलिए बिकॉज इधर दैट नॉट फीजिबल और दैट एक्सपेंसिव फॉर एग्जाम्पल फ्लक्स को मेयर करना एक अच्छा खासा मसला है ठीक है लेकिन फ्लक्स एक वेरिएबल है मशीन के स्टेट वेरिएबल है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरह अगर आप मोटर्स की बात करें तो कई जगहों पर आप इनकोडर्स नहीं लगा सकते यू डू नॉट वॉन्ट टू हैव इनकोडर देयर बिकॉज इनकोडर का अपना मसला है कॉस्ट है उसकी नॉइज़ का इशू बनेगा फिर आप प्लेसमेंट का मसला होगा कि कहाँ पर प्लेस करेंगे मोटर की चल रही है कोई टर्बाइन है जिसके ऊपर चली हुई तो पानी का इन्वायरमेंट है क्यूर आप लगा नहीं चाह लगा सकते हैं होम लगाना नहीं चाहते कॉस्ट इन्वॉल्व मोबाइल रोबोट्स हैं उसके अंदर आप चाहते हैं कि वो जो जा रही है जब इसके कंस्ट्रेंट्स उसके हिसाब से जब उसके व्हील्स हैं मोबाइल रोबोट के आप उनकी वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते बिकॉज उसके अंदर आप सेंसर डालना पड़ेगा आपकी घर आप चाहते हैं कि सिंपल मॉडल काम करें उसमें फिर हम क्या करते हैं वी हैव टू सी कि क्या वो ऑब्जर्वेटरी कंडीशन हम मीट कर पाते हैं या क्या वो स्टेबलाइजेशन का कंट्रोलर जो हम डिज़ाइन करें इसके लिए क्या उसमें ज़रूरत है कि वो इतना एक्यूरेट वो चीज़ हमें दे कि एस्टिमेटर से काम चल जाएगा तो ये थोड़ा आगे चल के होगा कि हाउ द केस इज देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या वो पार्शियल फीडबैक विल बी गुड इनफ या जो हम नॉन लीनियर कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे विल बी एबल टू हैंडल दैट इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऑफ तो ये थोड़ा सा आएगा ये नो सिक्योरिटी वजह कोई लाइक से बात भी की जा सकती है कोई मसला नहीं है रियली आई एम नॉट दैट सीरियस गाय और बात करने से आप कर सकते हैं नहीं पता मैंने कल परसों से न्यूज़ नहीं देखी वरना वो आइटम बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल बाकी फनी चैनल है अगर आपको एनीवे सो लेट्स कीप शेयरिंग ऑल द थिंग्स क्योंकि मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपसे बात कर रहे थे वो जब डिस्कशन हो रही थी अभी ना क्या नाम कैलमेट डिकम्पोजिशन उसमें चार कंपोनेंट हैं तो क्या आप ये समझे कि उसमें से वो कंपोनेंट जो बहुत कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल है इज ऑफ आवर कंसर्न और यूजफुल फॉर अस एंड रेस्ट आर नॉट नहीं सर अगर नॉट कंट्रोलेबल नॉट ऑब्जर्वेबल परेशान करें तो वी आर इन ट्रबल अच्छा व्हाई बिकॉज उसको ना हम छेड़ सकते हैं ना एस्टिमेट कर सकते हैं फिर कुछ भी नहीं कर सकते हाँ तो इसका एग्जाम्पल आप ले लें कि पेंडुलम ऑन ए कार्ट इन्वर्टेड पेंडुलम ऑन ए कार्ट और पेंडुलम को मैंने हटा कर रखना है ऑप्शन मेरे पास सिर्फ गाड़ी लाने के अलावा ये एक्चुएटर समझेंगे नहीं अब ये वो सिस्टम जो अंडर एक्चुएटेड मैकेनिकल सिस्टम है अंडर एक्चुएटेड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है उनमें ये चीज़ आती है अब सिर्फ एक चीज़ आती है कि क्या आपका जो कंट्रोल है इज इट गुड इनफ कि वो इसके बावजूद भी आपके डिज़ायर्ड काम कर सकेगा और इसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा है लेकिन यूजुअली अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास अनकंट्रोलेबल होगा अनकंट्रोलेबल पार्ट जो हमें है इट इज़ नॉट स्टेबल तो आपको फिर लिमिट में रहना पड़ता है कि आप डेटा को मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि चार कंपोनेंट हैं तो क्या इन कंपोनेंट से हमें कुछ फ़ायदा होता है जब सिस्टम को रिड्यूस कर दें फायदा होता है अननेसेसरी को हम हटा दें फायदा ये होता है कि जो आपका कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल पार्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक कंट्रोल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो उस चीज़ को शायद होपफुली एक सर्टेन रीजन के अंदर स्टेबलाइज कर लेगा ग्लोबल नहीं कर पाएगा लेकिन कर पाएगा वी कैन यूज दैट लेकिन दैट ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन केसेस टू केसेस
तो ये हमारा सेटअप है और अब अगर आप देखे जाके मैं थोड़ा सा ये शुरू करूँ, ये मेरा ऑब्जर्वर है, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ यू वही आ रहा है उसके अंदर जो सिस्टम को जा रहा है, लेकिन अब मैं जो भी आउटपुट है मेरे पास एक्स वन है और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं उसके लिए एक ये डिज़ाइन करता हूँ इन सच अ वे कि जो मेरा ई डॉट सिस्टम है वो ऐसा हो कि ई शुड कन्वर्ज। तो प्रॉब्लम हम रीफॉर्मुलेट करते हैं बाय चेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड वी ब्रिंग नाउ अ न्यू वेरिएबल जिसको मैं जीरो करना रादर देन एक्स। जब वो जीरो है ना तो एक्स वन बिकम्स एक्स वन हैट एंड एक्स टू इज टू हैट एंड सो ऑन। तो दिस इज द मेथड, आई एम श्योर कि हम इससे गुजर चुके हैं, ये वो इक्वेशन बनती है। और अब आप जाके आगे देखें तो वी हैव टू जस्ट डिजाइन के एग्जैक्टली द सेम वे एज कोर्स असिस्टेंट वहाँ पे की जाएगी मेरे असाइनमेंट और हम जाके कर सकते हैं। और सिमिलरली जब कंट्रोल पे बात आएगी तो कंट्रोल में फिर हम यू की जगह यू में एक्स की जगह एफ एक्स की जगह एफ एक्स हेड डालेंगे और वी वो वाला कंपोनेंट जो थोड़ी देर पहले हमने बात की ओके। अब अगर थोड़ा सा देखें सिस्टम को लास्ट टू माइंड ऑफ अब अगर थोड़ा सा हम देखें वो कुछ इस तरह की चीज़ है कि मेरे पास ये सिस्टम है और इसके अंदर एक्स हैट आ रहा, अब मेरा स्टेट वेक्टर बढ़ गया है, मेरे पास एक्स भी है एक्स हैट भी है और फिर मैंने अकॉर्डिंगली इसको चेंज किया है और मैंने ई के फॉर्म में लिखा है और दिस मीन्स एक्स माइनस एक्स हैट एंड दिस मीन्स जिसके अंदर एक्स भी इन्वॉल्व होगा एक्स हैट भी इन्वॉल्व होगा दोनों चीज़ इन्वॉल्व होगी और मेरे पास ये स्टेट वेक्टर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है एक्स डॉट इक्वल टू ए प्लस बी एफ एक्स माइनस बी एफ ई प्लस बी वी एंड ई डॉट इक्वल टू दिस वन और इसको जाके मैं एनालाइज करता हूँ आई एंड अप हियर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आइडिया है, ये बताता है कि ये दोनों चीज़ें क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं अगर आप जाके डायग्राम फॉर्म में देखें तो आइगन वैल्यूज इसका मतलब है कि इसकी और इसकी इंडिपेंडेंट है, दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। इसका ये मतलब है कि मैं इसको अलग से डिज़ाइन कर सकता हूँ इसको अलग से कर सकता हूँ, इसका ये मतलब मैं इसकी स्पीड ऑफ कन्वर्जन अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड सेपरेशन प्रिंसिपल। कंट्रोलर और ऑब्जर्वर का डिज़ाइन का प्रोसीजर सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम रोकते हैं इसको, वी आर फेयरली क्लोज टू वेयरएवर आई वांटेड टू फिनिश टुडे फॉर दिस पार्ट, वी हैव लंच और उसके बाद हम कब रिज्यूम करेंगे 2:15 में रिज्यूम करते हैं, तब तक थोड़ा फ्रेशअप हो जाए एंड देन ब्रेक इन प्रोसेस करते हैं। वो चार्जर और मोबाइल पे कमी तो बैटरी निकाल जल्दी कर।